सलाम आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंगिया प्रखंड के मीरपुर भररिया पंचायत में, और मेरे साथ प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या नाम है और किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं और किस पद से वो आ रहे हैं। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ में खैर मकदम है। मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि पहला सवाल, आपका नाम क्या है और आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं, आपका पंचायत क्या है? मेरा पंचायत मीरपुर भररिया है जी। मैं सिंगिया प्रखंड से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा क्षेत्र जो है वो समिति सदस्य के लिए पश्चिमी मीरपुर भररिया पंचायत पश्चिमी से खड़ा हूँ। मेरी पत्नी खड़ी है क्योंकि महिला सीट है, तो नेतृत्व आप कर रहे हैं उसकी जगह। उसके जगह पे मैं अपना खुद नेतृत्व करूंगा और कर रहा भी हूँ। मैं अभी करता हूँ, उनका महिला सीट है, महिला सीट से हमारी पत्नी खड़ी है। और मेरा मेन मुद्दा इस क्षेत्र से यही रहेगा, सबसे पहला नया सवेरा। नया सवेरा में मैं यही लेकर के आऊंगा कि जो मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत में भी, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे प्रखंड से, चूंकि निचले स्तर से अगर यह चीज खत्म होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सरकार के लिए भी बढ़िया रहेगा और हम लोग के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो है भ्रष्टाचार, हर मामले में भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज्यादा बुरी तरह से फैला हुआ है, हर मामले में फैला हुआ है। ये तो ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि आपके घोषणा पत्र में क्या है, आप किस मुद्दा पे काम करना चाह रहे हैं? मैं इसी मुद्दा पे काम करूंगा कि सबसे पहले मेरा भ्रष्टाचार इस क्षेत्र से खत्म हो, हमारे क्षेत्र से खत्म हो। अगर मेरे क्षेत्र से खत्म होता है तो और भी सारा क्षेत्र है वहाँ से भी खत्म होगा, और भी सारा पंचायत है वहाँ से भी खत्म होगी। धीरे धीरे ऐसा होगा एक दिन जो पूरे बिहार से खत्म होगी। अगर पूरे बिहार से खत्म हो जाएगा तो मैं यही कोशिश उम्मीद रखूंगा कि मेरे देश से भी खत्म होगा। दूसरा है कि हॉस्पिटल, अस्पताल जो मेरे यहाँ भी बना हुआ है, वर्षों से बन चुका है, वो जैसे विकास के लिए तरस रहा है कि यहाँ कोई डॉक्टर बैठे, यहाँ कोई NM रहे और डॉक्टर बैठे, तो कम से कम प्रसव का जैसे समस्या यहाँ से दूर हो जाए। ये सबसे एक नंबर पर मेरा मुद्दा होगा। अगर मेरी पत्नी आगे बढ़कर के आती है, जीतती है, तो मैं उनका नेतृत्व करूँगा और मैं अपने तरफ से यही प्रश्न रखूँगा आगे अपने प्रखंड के अंदर के हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसका कम से अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। बात बताइए, हॉस्पिटल बना कब है? क्या अब तक कह रहे उद्घाटन नहीं हुआ, कितने साल हो गए? ये लगभग 12-13 साल हो चुका है। 12-13 साल बोले तो 2008 के आसपास बना है? हाँ, 2008-09 में ये जैसे बना था, जब से जो भी बना हुआ पड़ा है। ये है कि आपके इलाके की सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है, क्या समस्या है कि जिसके ऊपर आप काम करेंगे? एक तो आपने हॉस्पिटल बताया, उसके अलावा और भी कुछ समस्याएं हैं? उसके लिए भी अब और भी बहुत सारा समस्या है। चूंकि नीतीश जी गली गली नल जल के मुतालिक जो है योजना दिए थे, लेकिन वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया। पैसा सब लूट हो गया, लूट लिया, लेकिन काम हो नहीं पाया। ये योजना आया है कब कि अब तक कंप्लीट नहीं हुआ? ये योजना आपको जैसे 2018-19 से निकला था, जो पंचायत द्वार जैसे दिया गया था कि नली गली नाली और गली का जो है से जीर्णो उद्धार, यानी PCC ढलाई और साथ में नाली भी था, लेकिन वो पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया। और मुकम्मल क्या के कुछ अधूरा पड़ा है, कुछ कहीं बना भी नहीं है, कहीं सड़क जो है तो यूं ही पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा भी है कि नाला बन गया है, बगल में रोड जो है वही यूं ही पड़ा हुआ जो उबड़ खाबड़ में है, लोग जैसे बहुत दिक्कत का सामना होता है लोगों को। इस पर ज्यादा फोकस मेरा रहेगा कि कम से कम इस चीज को जैसे पूरा करे मुखिया, और भी जैसे प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य भी है, उनका भी प्रोत्साहन करेंगे और हिम्मत देंगे कि आप लोग काम कीजिए और जहां होगा आगे योजना के मुताबिक बोलने का। मैं अपने सदन में जैसे इस सवाल को लिखित रूप से रखूंगा और दूंगा कि हमारे क्षेत्र में जैसे अच्छे से अच्छे काम हो, विकास हो, उसके लिए तट पर खड़े रहें। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद अपने इलाके के लिए सबसे पहला काम आप क्या अंजाम देंगे? सबसे पहला काम नया सवेरा में मेरा यही प्रचार प्रसार रहेगा
कि भाई भ्रष्टाचार से दूर रहो, भ्रष्टाचार में नहीं फंसो, जहां कहीं अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ आओ, मैं साथ देने वाला हूं, मैं राह दिखाने वाला हूं, रास्ता दिखाने वाला हूं। वहां अधिकारी बैठे हुए हैं इंतजार में, आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला यही रहेगा मेरा निशान। यानी कि आपका जो है मकसद है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार तो हर सतह पे है, आपके लिए क्या ये संभव लग रहा है कि ये आसानी से खत्म हो जाएगा? देखिए, स्टार्टिंग लेवल से कोई एक या दो आदमी ही कदम बढ़ाता है, उसके बाद जब आम लोगों को ये हिम्मत हो जाती है कि नहीं, धीरे धीरे जैसे अगर हम लोग भी हिम्मत करेंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकती है, तो जरूर है कि ये खत्म हो जाएगा। और एक से अनेक है। चलिए, ये आप एक अच्छा से अनेक सोच रहे हैं कि इस तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। आखिरी बात ये है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से, दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ के जरिए से, आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं यही कहूंगा अपने मतदाताओं से, वोटरों से, कि अच्छे कैंडिडेट को, काम करने वाले कैंडिडेट को जैसे आप लोग वोट करें और कामयाब बनावे, जो आगे चल करके आप लोगों को धोखा नहीं दे और तट पर खड़ा रहे, आपके विचार से वो आगे नहीं बढ़े, आपके विचार के साथ वो चले, वैसे कैंडिडेट को जो है आप लोग वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा पत्नी का जो है पहचान चिन्ह है फराद छाप, जो ईवीएम मशीन के सातवें नंबर पर है, उस पर भारी मतों से बटन दबा करके विजय बनाइएगा, जिसके लिए हम लोग सारे और खुद मैं आभारी रहूंगा और हर एक मामला में तटपर खड़े रहेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए समस्या में तटपर खड़े हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।